الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. आज हम एक्सेस में क्यूरी लगाना जो है वो सीखेंगे. तो एक्सेस को ओपन कर लीजिए. ठीक है जी. और नया डेटाबेस जो है स्टार्ट कीजिए. जो सबसे पहले टेबल है इसे क्लोज कर दीजिए. क्रिएट में जाइए, न्यू टेबल डिजाइन कीजिए और इसमें चलिए. आईडी रख लीजिए, एंटर कीजिए और इसे नंबर कर दीजिए. ठीक है जी. उसके बाद अगला नेम कर लीजिए. रिजर्व वर्ड है, एरर आएगा, नो प्रॉब्लम, आगे बढ़िए. उसके बाद आप प्रोडक्ट ले लीजिए. ठीक है जी. प्रोडक्ट के लिए टेक्स्ट ही रहने दीजिए. उसके बाद सैलरी जो है वो ऐड कर लीजिए. सैलरी का जो है वो नंबर रखिए. ठीक है जी. आगे सेल जो है वो आप ये भी नंबर ही रखिए. ठीक है जी. आगे बढ़ते हैं, इसको चेंज कर लेते हैं. ठीक है जी. और इस तरह से इस पे आप जो है वो प्राइमरी की लगा दीजिए. अब इसको टेबल को कंट्रोल एस कीजिए और इसे सेल्समैन के नाम से जो है वो सेव कर लीजिए. चलिए, इसमें एक ही टेबल बनना है. ठीक है जी. और इस टेबल में आपने जो है क्यूरी लगाना सीखना है. इसको क्लोज कीजिए. अब आप इसका व्यू, ज़रा डाटा शीट व्यू देखिए, ये हमारे पास आ गया. अब कुछ डाटा हम एंटर कर लेते हैं. जैसे है नेम रख लेते हैं. ठीक है जी. प्रोडक्ट है पेप्सी और सैलरी है 20,000 और सेल है इसकी कितनी हुई जी, सेल 1,000 हुई है. ठीक है. इतनी जो है इसने सेल करवा दी है. आगे बढ़ते हैं, टू पे आ जाइए, अली और ड्यू कर लीजिए. ठीक है जी. प्रोडक्ट का नेम और सैलरी इसकी 23,000 कर दीजिए और देन सेल जो है वो 22,000 कर दीजिए. नेक्स्ट में आ जाइए, थ्री एंटर और यहाँ पे आप कोक कर लीजिए. ठीक है जी. सॉरी, नेम चेंज करना पड़ेगा, प्रोडक्ट आगे आनी है अभी. तो चले नाम कुछ भी रख लीजिए. ठीक है जी. और प्रोडक्ट में कोक डाल दीजिए और सैलरी जो है वो 18,000 कर देते हैं और सेल जो है इसकी वो 1,200 है. आगे बढ़िए, चौथा जो है इसको कर लीजिए और ये नाम रखिए इसका. ठीक है जी. और प्रोडक्ट इसको गेन हम जो है वो पेप्सी और सैलरी जो है 22,000 और उसके बाद सेल जो है वो 1,500 कर लीजिए. एक और लिख लेते हैं. ठीक है जी. इसमें आगे बढ़ते हैं और इसको चलिए ड्यू दे देते हैं और इसकी सैलरी जो है वो 32,000 कर देते हैं और सेल जो है इसकी 2,500 कर देते हैं. ठीक है जी. अब यहाँ तक हमने लगा के इसको सेव कर दीजिए. ठीक है. अब हम इसे बंद कर देते हैं और क्यूरी इसकी डिज़ाइन करते हैं. टेबल सेलेक्ट कर लीजिए, क्रिएट में जाइए और उसके बाद क्यूरी डिज़ाइन में आ जाइए. क्यूरी डिज़ाइन में एक ही टेबल है, ऐड कर लीजिए. इसको क्लोज कर दीजिए. अब इन पे डबल क्लिक करते जाएं तो ये देखिए नीचे ऐड होते जाएंगे. जैसे जैसे आप डबल क्लिक कर रहे हैं ऐड करते जाएं. ये एक एक्स्ट्रा हो गया है, इट्स ओके. इसको आप अभी छोड़ दें, आगे बढ़ें. ठीक है जी. सेम अब क्राइटेरिया क्या रखना है. क्राइटेरिया में हम कहते हैं कि ऐसे सेल्समैन जिन्होंने पेप्सी, ठीक है जी, पेप्सी जो है वो सेल की है, उनकी हमें आईडी दिखाएं. तो आप इसे यहाँ से रन करवा सकते हैं. ठीक है जी. और उनके बारे में हम इंफॉर्मेशन लेंगे, पेप्सी के सेल्समैन यहाँ पे शो हो जाएंगे. ठीक है जी. कंट्रोल एस कीजिए, इस क्यूरी को आप सेव कर सकते हैं. ठीक है. आप चाहें तो बाद में इसका नेम चेंज कर लें कि पेप्सी वालों की ये है. ठीक है जी. इसको रीनेम कर लें, राइट क्लिक करके तो आप रीनेम कर लेंगे कि
पेप्सी के सेल्समैन की ये क्यूरी है। एक बार और लगाना सिखा देती हूँ। टेबल को सिलेक्ट कीजिए, क्रिएट में जाइए, टेबल क्यूरी डिज़ाइन में जाइए, ठीक है जी, और फिर से ऐड कीजिए। किस किस को ऐड करना है पहले इसे क्लोज कर लीजिए। सेल आईडी पे डबल क्लिक कीजिए, नेम पे डबल क्लिक कीजिए, प्रोडक्ट पे डबल क्लिक कीजिए, सैलरी, ठीक है जी, और सेल। अब क्राइटेरिया हम क्या रख रहे हैं जी, कि जिसकी पे लाइक में जाइए, लाइक लिखिए, ठीक है जी, कॉमा दीजिए, इन्वर्टेड कॉमास, और हम कह रहे हैं जिसकी पे 23,000 है उस सेल्समैन का नेम शो करवाओ, उसका डाटा शो करवाओ, तो रन कीजिए। तो ऐसा कोई सेल्समैन हमारे पास नहीं है। क्यों नहीं है, क्यों नहीं शो हुआ, क्योंकि 23,000 में, अच्छा वापस जाते हैं, एक मिनट मैं वापस जा रही हूँ। नो, इसको फिर से लगाते हैं, क्रिएट में जाइए, क्यूरी डिज़ाइन में जाइए, टेबल को ऐड कीजिए, क्लोज कीजिए, ठीक है जी। सेल्स आईडी, नेम, प्रोडक्ट, सैलरी और सेल, ठीक हो गया जी। अच्छा जी, अब सेल के सैलरी का क्राइटेरिया हम निकाल रहे थे, लाइक कोमा 23,000 कोमा, ओके जी। और अब इसको रन करवा के देखते हैं, तो ठीक है जी, ये इस तरह से आपकी सैलरी वाला सेलमैन कौन है जिसकी 23,000 है, वो है जी अली। तो इस तरह से आपकी दूसरी क्यूरी बन गई। कंट्रोल एस कीजिए और इसको ओके कर लीजिए, इसको क्लोज कीजिए। इसको आप रीनेम कर सकते हैं किससे, कि जी ये क्या है, सैलरी 23,000 वालों की ये क्यूरी है, ठीक है जी। इस तरह से आप इसमें क्यूरी लगा सकते हैं, ठीक है जी। ये थी क्यूरी डिज़ाइन करना आपको सिखाई, इंशाल्लाह कल नई वीडियो में नई चीज़ सिखाऊंगी, ओके जी।